आधुनिक विश्व फर्स्ट NIOS। हाँ भाई, आधुनिक विश्व एक, ठीक है, इसके पीछे का पहले कर चुके हैं, अभी ये चलेगा। ठीक, चौदहवीं सदी के बाद से यूरोप की संस्कृति और बौद्धिक जीवन में कई परिवर्तन आए। चौदहवीं सदी का मतलब क्या होता है? कहाँ गया मार्कर? हाँ, एक पीछा करते हैं भाई, ठीक है। चौदहवीं सदी का मतलब होगा सन 1300, ठीक है, 1300 वाला टाइम पीरियड, 1301, 1302, 1303, ठीक है, ये होगा चौदहवीं सदी का मतलब, ठीक है। इक्कीसवीं सदी चल रहा है। हाँ, ये 21वीं सदी चल रहा है, जैसे 21वीं है ना अभी, 21वीं सदी अभी, तो मतलब एक काम कर देंगे, ठीक है, अब ऐसे जैसे चल रहा है ना 20, मतलब 2001, 2, 3, 4, अभी 2022, ठीक है। हाँ, ऐसे इन परिवर्तनों से आधुनिक काल में प्रवेश करने में मदद मिली, आधुनिक काल में, ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और अब आधुनिक काल में प्रवेश करेगा यूरोप। सारी बातें यहाँ पे यूरोप की करी जाएगी, ठीक है। ये पुनर्जागरण था, पुनर्जागरण मतलब जो पहली परंपराएं थी, धार्मिक कुरीतियां थी, उन सभी को ख़त्म करके यूरोप के लोग अब मानेंगे आधुनिक चीज़ों को, वैज्ञानिक तथ्य को, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ को सुलझाया नहीं जा सकता, जिसको कुछ समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको मान लिया जाता है ये एक दैवीय कारण है, मतलब कि भगवान से जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे पहले नहीं पता था क्यों होता है भाई दिन और रात, तो ये भगवान का बनाया हुआ है, धरती कैसे बनी तो ये भगवान ने बनाई है, ठीक है भाई। जो चीज़ समझ नहीं आती, जिसका कोई, हाँ, कोई चीज़ समझ नहीं आता कि क्यों है, तो फिर उसको भगवान से जोड़ देते हैं, ठीक है। जिसका हमारे पास कोई आंसर नहीं होता तो लिख देते हैं ये प्राकृतिक है, देवताओं ने बनाया है ये सब कुछ, ठीक। ये पुनर्जागरण था, इसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में चिंतन और तर्क करने को बढ़ावा दिया था, जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। पहले सारी चीज़ें चर्च कंट्रोल करता था यूरोप के अंदर, लेकिन पुनर्जागरण के बाद लोगों ने खुद सोचना विचार करना प्रारंभ किया, चर्च के मिथकों को चुनौतियां देना प्रारंभ कर दिया, ठीक है भाई। चर्च जो कहता था उसको अब चुनौती दिया जा रहा था कि इसे सिद्ध करिए, ठीक है। कई सारे मार्टिन लूथर है, एक जर्मन मूल के बौद्ध ईसाई के मठ के अंदर भिक्षु थे, उन्होंने सीधा चुनौती दी थी भाई पादरियों को, क्योंकि पादरी ऐसो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे भाई। पादरी होते हैं चर्च के अंदर जो प्रार्थना कराते हैं, प्रेयर कराते हैं भाई, धर्मगुरु कहा जाता है, ठीक है। उनको सीधा चुनौती पेश करी और फिर कुछ ईसाई धर्म के अंदर बदलाव किए गए भाई, ठीक है। अरब देशों में तर्क और वैज्ञानिक जांच की अवधि पहले ही शुरू हो चुकी थी। यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान हुए परिवर्तन ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। अब ऐसा है कि यूरोप के अंदर कुछ बदलाव होगा तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे इतिहास में जानते जाओगे यूरोप ने कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करा था। भारत के ऊपर भी तो यूरोप के लोगों का ही शासन चला था, ब्रिटिशरों का। हाँ, ठीक है, हाँ, अंग्रेज थे, ब्रिटिशर। तो यूरोप में जो बदलाव होगा उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा। परिवर्तन सामंती प्रणाली के विघटन के साथ क्या हुआ? अब सामंती व्यवस्था थी भाई, सामंत हुआ करते थे भाई बड़े जमींदार टाइप के, हाँ, उस पर भूदास जो कृषक किसान थे, हाँ, भूमि पे काम करते थे, भूदास काम करते थे सामंत के अंडर में रह के, नीचे में रह के, हाँ, ठीक है भाई। तो ज़्यादा उत्पादन होने के कारण व्यापार बसने लगे, व्यापार होने लगा। इंसान कब कोई वस्तु बेचेगा? जब उसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगी, हाँ, खाने से ज़्यादा हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी तो उसको बेचेगा भाई, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो या कुछ भी हो, ठीक है। उसके उत्पादन अधिशेष ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उसे बेचेगा, बेचने से फिर बनेगा बाजार, हाट, ठीक है। फिर बाजार के अंदर और भी चीज, सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, फिर वो बेचा जाएगा भाई, ठीक है। तो बाजार के अंदर फिर व्यवसाय उत्पन्न होता है, रोजगार उत्पन्न होता है। आपने पिछले पाठ में विस्तार से पढ़ा होगा। इस पाठ में हम इन में से कुछ परिवर्तनों और घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें मध्ययुगीन समाज को आधुनिक विश्व में परिवर्तन किया। हम आधुनिक
विश्व में 20वीं सदी तक घटित होने वाली घटनाओं का पता भी लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक भाई? 20वीं सदी तक, अभी 14वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक की बात होगी। कहा जाए तो मतलब कि 1300 से लेकर के 1900 तक, इसके बीच की परिघटनाएं इसके अंदर चलेंगी, इसके बीच में जो भी हुआ था। ठीक है, सामंतवाद के पतन के प्रभाव। अब सामंतवाद खत्म होगा, बड़े जमींदार सिस्टम खत्म होगा यूरोप के अंदर से। तो अब जो लोग आज़ाद होंगे, जो भूदास, जो कभी कंट्रोल में काम करते थे, भूमि पर खेती करते थे, लेकिन अधिकतर भूमि उनकी नहीं हुआ करती थी, अब वो जब स्वतंत्र होंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, क्या करेंगे, क्या जीवन बदलेगा, समाज में क्या बदलाव आएगा। ठीक है, इसके प्रभाव, हाँ वो अपनी सोच विचार से करेंगे भाई। ठीक है, मध्यकालीन युग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक सामंतवाद था। मध्ययुगीन के अंदर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या थी, ये सामंती व्यवस्था। ठीक है, और सेना भी थी भाई। आप इसके बारे में पिछले पाठ में विस्तार से पढ़ा है। सामंतवाद एक संस्था के रूप में कई शताब्दियों तक फलता फूलता रहा, लेकिन मध्य वर्ग के उदय के साथ ही इसका पतन हो गया। मध्यम वर्ग होता है भाई, जो कि एक तो उच्च वर्ग हो गया जिस पे ज़्यादा पैसा, बहुत सारा पैसा होता है, और राजा से संबंध होते हैं उनके। ठीक है, अब बात आ रही है भाई मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग होता है मिडिल क्लास, ठीक है, वो नॉर्मली चलता है भाई। ठीक है, और ज़्यादा संख्या मध्यम वर्ग की होती है। शक्तिशाली राज्यों के उदय तथा सामंतवादी स्वामियों के आसपास में युद्ध होने से इसका पतन हुआ। नए नगरों और शहरों के उदय होने तथा व्यापार के पुनरुद्धार से सामंतवाद का विघटन हुआ। अब देखो भाई, सामंतवाद का विघटन हुआ कैसे? सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, और उसके बाद शक्तिशाली राज्यों के उदय तथा सामंतवादी स्वामियों के आपस में युद्ध होने के कारण पतन हुआ। तो लिखो भाई इसको एक बार, सामंत व्यवस्था के पतन के कारण। हाँ, इस वाले पेज से यहाँ से लिखो। सामंत व्यवस्था के पतन के कारण, पतन के कारण, के कारण सबसे पहला पॉइंट डालो। के कारण, बस नीचे कारण लिखेंगे। पहला पॉइंट डालो, पॉइंट बना लो, गोला सा छोटा सा पॉइंट, नहीं पॉइंट, हाँ पॉइंट लिखो। मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय वर्ग का उदय दूसरा पॉइंट डालो। शक्तिशाली राज्यों के उदय, शक्तिशाली राज्यों के उदय या का उदय, शक्तिशाली राज्यों का उदय, उदय मतलब नए शक्तिशाली राज्य उत्पन्न होने लगे। तीसरा पॉइंट लिखो, समाजवादी, हाँ तीसरा पॉइंट है ये, समाजवादी समाजवादी स्वामियों में आपस में युद्ध होना, युद्ध आपस में स्वामियों के आपस में युद्ध करने से,
युद्ध करने से, ये तीन कारण लिखोगे भाई। ठीक है भाई, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त होगा। नए नगरों और शहरों के उदय होने तथा व्यापार के पुनरुद्धार में सामंतवादी का विघटन हुआ। अब एक और पॉइंट लिखो भाई नीचे, नए नगरों, इसी में, हाँ इसी में एक और पॉइंट डाल लो, चौथा पॉइंट, नए नगरों और शहरों तथा व्यापारिक गतिविधियों का उदय, नए व्यापार शुरू हुए, नए शहर बसने शुरू हुए। अब सामंत, हाँ अब नए व्यापार नगर उदय होंगे तो अब सामंती व्यवस्था कमज़ोर पड़ेगी। अब सामंतों के अंडर में लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे, कोशिश रहेगी कि वहाँ से निकला जाए। ठीक है, जिसको मौका मिलेगा वहाँ से निकलता जाएगा। ठीक है, ये नगर उत्पादन का केंद्र थे तथा इन पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण था। और जो नए नगर बने वहाँ पे अब निर्वाचित प्रतिनिधियों आपस में मिलकर के एक प्रतिनिधि चुना जाता था, जैसे लोकतंत्र में चुना जाता है। हाँ, उस पर सामंत का तानाशाही वाली सिस्टम नहीं चलेगी भाई। अब हाँ नए नगर बसेंगे तो उसमें नया ही सब कुछ चलेगा। इन नगरों का वातावरण और नियंत्रण सामंती प्रतिबंधों से मुक्त था। अब इसके अंदर जो नए शहर बसे इसके अंदर कोई सामंत नहीं था, क्यों? हाँ मतलब कि प्रतिनिधि तो होगा लेकिन कोई सामंत नहीं होगा, जैसे कि हाँ दास नहीं बनाएगा, हाँ जोर दबाव नहीं रहेगा। पुनर्जागरण हो रहा है ना भाई। इन नगरों का वातावरण और नियंत्रण सामंती प्रतिबंधों से मुक्त था क्योंकि लोग कहीं भी आने जाने तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र थे। लोग कहीं भी आ जा सकते हैं लेकिन सामंत के अंडर में रहने वाले कहीं आ जा नहीं सकते थे। यहाँ कोई भी अपना बिजनेस कर लेगा लेकिन सामंत के अंदर ऐसा नहीं था, वहाँ अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, वहाँ तो भू दास थे तुम। ठीक है, नगरों ने कारीगरों और किसानों को उत्कृष्ट किया क्योंकि इन्होंने जीवन की बेहतर संभावनाएं उपलब्ध कराई तथा सामंती शोषण से छुटकारा दिलवाया। इन नगरों और शहरों ने कपास और गन्ना के रूप में कई फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। अब इन नगरों ने किसको, कपास और गन्ना, गन्ने से क्या बनेगा, गन्ने से बनेगा भाई चीनी, शुगर जूस बनेगा, गुड़ गुड़ से जूस वो बनेगा चीनी। दिक्कत हो रही आगे कर दो भाई इसको। ठीक है भाई, और कपास से क्या बनता है, रेशम, धागे। हाँ धागे बनेंगे, धागे से कपड़े बनेंगे। नगर है तो जनसंख्या बढ़ेगी, कपड़े चाहिए ना भाई। कृषक को अपने उत्पादन का नकद भुगतान मिलने लगा। अब कोई भी कृषक खेती करेगा, किसान, उसको उसके बदले क्या मिलेगा, नकद भुगतान। नकद का मतलब पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आज मिलता है, पहले तो भूदास था उसको कुछ मिलता ही नहीं था। हाँ बस खाने की वस्तुएं मिलेगी। निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता था जहाँ विनिमय का माध्यम पैसा था। ठीक है, विनिमय का माध्यम क्या था, पैसा। कोई भी किसी को सामान चाहिए मिल जाएगा लेकिन उसके बदले उसे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, पहले वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, उसे कहा जाता था वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय नहीं चलता क्योंकि विभिन्न उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए उन्हें भी पैसे की आवश्यकता होती थी। जो सामान बेच रहा है उसको भी तो कुछ ज़रूरत चाहिए होगी भाई, उसको भी पैसे से ही मिलेगी वस्तुएं। इससे शक्तिशाली व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। अब उन्होंने समाज में बेहतर रुतबा रखने की लालसा होने लगी। उन्होंने सामंतों स्वामियों की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए शक्तिशाली सम्राटों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया, जिससे सामंती संरचना कमज़ोर हो गई और इससे सामंती वर्ग का पतन हुआ। अब व्यापार होगा तो व्यापार में जिसको मुनाफा होता है वो ऊंचा होता चला जाता है भाई, मजबूत होते जाते हैं, उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है। ठीक है, अब जो मजबूत होने लगी, जिसकी स्थिति मजबूत होने लगी, उन्होंने समर्थन किया मजबूत सम्राटों का। ठीक है, और छोटे सामंतों को नहीं, मजबूत सम्राटों को करा समर्थन।
नए विचारों के आगमन से नई चेतना का सृजन हुआ। इसने पुनर्जागरण नामक एक आंदोलन को जन्म दिया। अब हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो भाई, अब नई व्यवस्था ने क्या करा कि पुनर्जागरण नाम का एक नया आंदोलन टाइप में छेड़ा कि अपनी अपनी निर्णय हम खुद लेंगे और चर्च की कई भी बातें जो है अगर सिद्ध होगी, तथ्य के साथ होगी तो उसे माना जाएगा। हाँ, जैसे पुनर्जागरण का मतलब ऐसा समझ लो कि कोई बीमार पड़ा तो एक सोच क्या होगी कि इसको लेके जाओ भाई बाबा के पास, झाड़ा लगवाओ, ठीक है, तंत्र मंत्र से इलाज कराओ। दूसरी विचारधारा क्या होगी, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको हॉस्पिटल। बात आ रही है समझ में? तो पहले क्या होता था, पुनर्जागरण जब तक नहीं हुआ था, समझदारी नहीं थी, तो बाबा के पास चले जाते थे और वहाँ जान का खतरा होता है भाई, बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो उसे अस्पताल ले जाते हैं। यही विचारधारा थी। जैसे कि कई जगहों पे ऐसा होता है, सांप के काटने पे कीड़े किसी कीट के काटने के बाद उसका झाड़ा लगवा के छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है, उसकी जान भी चली जाती है, लेकिन हकीकत क्या होती है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना होता है। ठीक है भाई, तो यही होता है पुनर्जागरण। लोगों को लगता है कि दवाई से इलाज ना होकर के बाबा से इलाज हो जाएगा, तो एक तरीके का अंधविश्वास है, ठीक है। हो सकता है कहीं हो जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। इलाज सिर्फ डॉक्टरों के पास होता है, बाकी एक्सेप्शन केस होता है, एक आधा कि कोई हो गया ठीक तो हो गया। यही तो है भाई पुनर्जागरण का मतलब, ठीक है। आधुनिक पुनर्जागरण। आधुनिक काल के प्रारंभ से विश्व युग के अंतर और तर्क युग की अंत और तर्क युग की शुरुआत हुई। ये नव जागरण और सुधार आंदोलन का साक्षी है। इन आंदोलनों से लोगों के सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आए। अब पुनर्जागरण से क्या क्या बदलाव हुआ भाई, पूछा जाएगा पुनर्जागरण से किन क्षेत्रों में बदलाव हुए, तो सबसे पहला लिखोगे सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक के बाद बौद्धिक, फिर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है भाई, पुनर्जागरण के कारण किन किन क्षेत्रों में बदलाव हुए, तो ये सारे के सारे लिखोगे सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और सामाजिक। ठीक है भाई, उनकी संस्कृति में बदलाव आया, तथ्य के साथ बात को समझने लगे, बौद्धिक सोच विचार, ठीक है, उसमें बदलाव आया, धार्मिक कई सारे धर्म के अंदर अंधविश्वास चला आ रहा था उसको भी मिटाया गया, सामाजिक समाज के अंदर सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दी गई, ठीक है, और राजनीतिक सत्ता का केंद्र बड़े बड़े नए 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 सम्राट बन गए। लिख लो भाई इनको। राजनीतिक, ठीक है भाई, ये परिवर्तन हुए इन सब के अंदर कुछ ना कुछ, हाँ, के प्रभाव कारण नहीं भाई, पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, सांस्कृतिक बदलाव हुआ, हाँ इन सब में बदलाव आए, कुछ ना कुछ चेंज नजर आए। इतिहास चेंज का ही विषय है कि तुम्हें पढ़ना है चेंज, हाँ, तो सामाजिक बदलाव हुआ ना, भू दास थे भाई, तो अब लोग दास प्रथा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, हाँ, तो सामाजिक में आया ना भाई, सामंत खत्म हुए, सामाजिक संरचना बदली, व्यापार बने, नगर बनने लगे, ठीक है। इस अवधि में शहरीकरण, परिवहन, अब ध्यान से सुनना भाई, इस अवधि का मतलब समय में शहरीकरण, परिवहन के तीव्र साधन और संचार, लोकतांत्रिक प्रणाली और समानता के आधार पर समान कानूनों को लक्षित किया गया। अब शहरीकरण होने लगा, शहरीकरण में क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है कि शहरीकरण है, तो लोगों का कार्य विभाजन हो जाता है, श्रम विभाजन होता है शहरीकरण के अंदर। जैसे आप टीचर हैं तो आपका काम केवल और केवल लोगों को शिक्षा देने का होगा, आप खेत में काम नहीं करेंगे,
ठीक है, आप कोई जानवर नहीं पाल रहे होंगे कि मतलब कि पालतू जानवर जिससे कि खाने पीने की चीज़ें मिले, ठीक है, इस टाइप के जानवरों के लिए काम नहीं करेंगे। आप अगर टेलर हैं तो आप सिर्फ कपड़े सिलने का काम करेंगे भाई, बात आ रही है समझ में? हाँ, तो ये होता है भाई शहरीकरण। शहरीकरण में श्रम विभाजन होता है, जबकि ग्राम के अंदर ऐसा नहीं होता। गाँव के अंदर अगर कोई शिक्षक है तो हो सकता है शाम को उसको अपने गाय भैंसों को नहलाना धुलाना और उसमें से दूध निकालने का कार्य करना पड़े, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं नज़र आता है, ना के बराबर बिल्कुल। ये होता है शहरीकरण। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, ठीक है भाई। पुनर्जागरण का अगर मतलब जानना चाहते हो तो पुनर्जन्म, बात आई समझ में? एक तरीके से नया जन्म हुआ, उसको पता चल गया है मेरा सही क्या है और गलत क्या है मेरे साथ, बात आ रही है समझ में? तो क्या हुआ, एक तरीके से उसका पुनर्जन्म मिला, दोबारा से जन्म मिल गया कि आप आगे तुम अपनी जीवन जी सकते हो, ठीक है। ये इटली के 14वीं सदी के आसपास प्रारंभ हुआ। उस समय इटली छोटे शहर राज्यों में विभाजित था, उसमें से कई शहर राज्य प्राचीन रोम इमारतों के भवनावेश पर बनाए गए थे। इटली के कई सारे शहर जो थे वो पुराने शहरों के जो अवशेष थे उसके ऊपर बने हैं। रोम साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य था रोम, उसके जो भवन थे शहर थे वो टूट फूट गए, उन्हीं के ऊपर दोबारा से शहर बसाया गया, ठीक है। इसके अलावा बेसिन जैसे इतावली शहरों की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें महान व्यापार और बौद्धिक केंद्र बना दिया। अब इटली को देखा जाए तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अगर नक्शा देखो यूरोप का तो, ठीक है, इटली तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिस कारण बंदरगाह बनाए जा सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, वो मध्य सागर में पड़ता ही है, तो व्यापारिक केंद्र बना और साथ साथ व्यापार रहेगा तो भाई वहाँ नोटरी और वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बनेंगे कैसे, जब विश्वविद्यालय होंगे महाविद्यालय होंगे तभी तो बनेंगे भाई। हाँ, शिक्षा शैक्षणिक संस्थान होने ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ मिली और इटली अब आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ठीक है, धन के साथ साथ विश्व के चारों कोनों से व्यापारी कई महान विचार लाए। अब बिजनेसमैन यहाँ से दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ के विचार लेके आएगा, जैसे इंडिया के अंदर इस्लाम कैसे आया तो भारत के अंदर इस्लाम व्यापार के माध्यम से आया, जो व्यापारी जाते थे ना यहाँ से, हाँ अंग्रेज़ भी व्यापार करने के कारण आए, ठीक है, जो व्यापार करने जाते हैं वो कुछ सोच विचार आइडिया लेके आते हैं भाई, ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं आते हैं। राजनीतिक और सामाजिक संगठन में नए रूप से ने राजनीतिक स्वतंत्रता अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। लोगों के पास अध्ययन करने और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय था, अध्ययन मतलब पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये भी अत्यधिक आर्थिक विस्तार की अवधि थी। बुक कीपिंग, बिल का आदान प्रदान तथा सरकारी ऋण, कई वाणिज्यिक और वित्तीय तकनीक विकसित की गई। अब कई सारे सरकारी संस्थान जैसे बैंकों के जैसे संस्थान बनने लगे, बैंक बनने लगे, ऋण मिलने लगा, सरकार लोन देने लगी ताकि बिजनेस बढ़ाया जा सके, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले तो सारे सामंतों में काम करते थे, क्या बिजनेस करोगे, हाँ बस खाना पीना मिलता है और ऐसे जीवन व्यतीत होता है। इसने इटली पुनर्जागरण का केंद्र बन गया, ठीक है, इसीलिए इटली पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। इस समय की प्रमुख घटनाओं में सम्मिलित है शहरी जीवन के पुनरुत्थान, वाणिज्य के आधार पर निजी पूंजी बैंकिंग, ठीक है भाई, निजी पूंजी का मतलब क्या होता है, निजी का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समाज का अपना, समाज का नहीं भाई, व्यक्ति का अपना, व्यक्तिगत, ठीक है भाई, और सार्वजनिक होता है जो सभी का हो, जैसे कि ट्रेन होती है सभी की होती है भाई, हाँ ये सब किसका भाई, सभी के हो गए। राष्ट्रीय राज्यों के गठन, अन्वेषणों के लिए नए मार्गों और प्रदेशों और स्थानीय भाषा साहित्य के विकास जो कि प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लोकप्रिय था। इसी टाइम पे भाई एक प्रिंटिंग प्रेस आएगा, प्रिंटिंग प्रेस मतलब छाप खाने शुरू होंगे, वहाँ पे छपाई होगी। अब छपाई होने से जितनी देर में कोई एक ईसाई भिक्षु मठ में रहने वाले भिक्षु एक बाइबल लिखेगा, जितनी देर में एक बाइबल लिखेगा और प्रिंटिंग प्रेस 150 बाइबल छाप देगी, जितनी देर में तुम एक पेज लिखोगे और ये फोटोकॉपी मशीन में डाला जाए तो कितने लिख देंगे, जितना तुम एक लिखोगे उतने में 100-150 पेज निकाल देगा, अब तो और ज़्यादा निकाल देगा, अब तो हाई टेक्नोलॉजी है, बात आ रही है समझ में भाई, जितना ये पेज लिखने में टाइम लगाओगे उतने में तो बहुत सारे, हाँ तो अब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम बदलेगा
अब पहले टीचर जो बोलता था उसको फटाफट लिखना पड़ता था, नोट करना होता था, नहीं तो छूट जाएगा। अब क्या है, अब सारा प्रिंटेड मटेरियल मिलने लगा। ठीक है, उसी टाइम की बात कर रहा हूँ भाई, इसी शताब्दियों के बीच की, जब प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था उसके बाद अब लिखी हुई किताबें मिल जाती थी। ये नया व्यापारिक समाज कम पदानुक्रमित और अधिक धर्म निरपेक्ष उद्देश्य के लिए प्रति अधिक जागरूक था। यह पहले के ग्रामीण परंपरावादी समाज के अत्यधिक विपरीत था। विश्व आर्थिक प्रणाली प्रारंभ करने में सहायक कार्य एवं खोजकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई नई वस्तुओं के व्यापार मार्गों की खोज के बाद अमेरिका, एशिया, अफ्रीका से नई वस्तुएं लाई गई। अब कई सारे नए व्यापारिक मार्ग खोजे गए, रास्ते ढूंढे गए, कई नए स्थान ढूंढे गए जिससे पहले ये अवगत नहीं थे, पहले नहीं जानते थे उस स्थान को, लेकिन अब जानने लगे हैं। जैसे होता है ना, नया रास्ता ढूंढ लेते हैं कि हाँ यहाँ से भी, जैसे स्कूल जाते समय बच्चे कि यहाँ से जाते हैं, एक दूसरी गली से घुस के निकले करे तो बहुत बढ़िया रास्ता भाई, शॉर्टकट लग गया, तो नया मार्ग ढूंढ लेते थे, नया रास्ता ढूंढते थे। इन वस्तुओं ने यूरोपवासियों के जीवन को समृद्ध बनाया और अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन के तरीके विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। अब अधिक लाभ कब कमाया जाएगा, जब अधिक उत्पादन किया जाएगा। हाँ, अगर मान लो गेहूँ तुम 100 किलो उगाते हो, अगर 110 किलो उगा लोगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, परिघटनाएँ ये हुआ कि परिणाम ये हुआ कि व्यापारियों, उद्यमियों, व्यापारी होते हैं बिजनेसमैन, उद्यमी होते हैं जो कंपनी चलाते हैं, उद्यमियों और बैंकरों ने सहयोग किया, और बैंक होते हैं जो ऋण देते हैं, जैसे कि तुम्हें हाँ तुम्हें पता है कि कैसे मैं किसी चीज़ का उत्पादन कर सकता हूँ, शर्ट सिलना जानते हो भाई, कई सारे लोग हैं तुम्हारे पास, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है कंपनी मशीन लगाने का, तो बैंकर क्या करेंगे, तुम्हें लोन दे देंगे, तुम लगाओगे और फिर कपड़ा निकाल के फिर उसको बेचोगे, उससे पैसा कमाओगे, लोन भी भर दोगे, सबका फायदा। बात आई समझ में? राजनीतिक जीवन, हाँ भाई, परिणाम ये हुआ कि व्यापारी, उद्यमों और बैंकरों ने सहयोग किया और राजनीतिक परिवर्तन में तथा राजनीतिक जीवन में तथा अन्य देशों के साथ संबंधों में पूंजी ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। अब पूंजी, कैपिटल ने क्या करा, महत्वपूर्ण स्थान बनाया, जिसके पास पूंजी थी अब वो ऊंचा हो गया भाई, अब सामंत वाला सिस्टम खत्म, अब पूंजी किसके पास, कितनी पूंजी, किस पे ज़्यादा पैसा, और पैसा आएगा व्यवसाय से, अधिक उत्पादन करने से। ठीक है, इस अवधि में सुरजित नए विचार तथा मानवतावाद, मानवतावाद का मतलब यहाँ पे ये होगा कि धर्म के शिक्षा के साथ साथ, मतलब कि दूसरी शिक्षा ली जाए, धर्म के शिक्षा पे ध्यान कम देते हुए अन्य शिक्षाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जैसे मैथ, धर्म का कोई मतलब है भाई गणित से नहीं है ना भाई, कोई मंत्र नहीं आता इसमें, कोई प्रार्थना नहीं आती, कोई प्रेयर नहीं आती इसमें, इसी तरीके से हिस्ट्री और अलग अलग साहित्य भाई, खगोल विज्ञान, मानव विज्ञान, औषधि विज्ञान, ऐसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बता रही समझ में, ये मानवतावादी विचारधारा थी कि हमें इन विज्ञान, इन चीज़ों, इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। बुद्धिवान मानवतावाद, बुद्धिवाद और जांच की भावना से लोगों ने सोच में गहरा परिवर्तन हुआ। ग्रीक और रोम साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ नए सिरे से रुचिकर हो गई। मनुष्य नए विद्वानों की मुख्य चिंता का विषय बन गया। वे मनुष्य के सृजनात्मक क्षमता और इस संसार में खुशी और आनंद प्राप्त करने के अनेक अधिकार में विश्वास रखते थे कि मानव के अंदर जो रिसर्च करने की कैपेसिटी भी है भाई, ठीक है भाई, जो सृजन क्षमता है, सृजन का मतलब नई चीज़ बनाने की क्षमता इंसान के पास, उसका विकास करना चाहिए, इंसान को खुश रहने वाली चीज़ें ढूंढनी चाहिए भाई, बात आ रही है समझ में? हाँ, रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मध्यकालीन चर्च के विश्वास के विपरीत था। चर्च क्या कहता था भाई कि धर्म के काम में लगे रहो, तभी जो नेक होगा उसी को स्वर्ग मिलेगा भाई, बात आ रही है समझ में? अब पूछा गया स्वर्ग चलता कैसे, स्वर्ग में क्या राजा होता है, क्या स्वर्ग के अंदर दुकानें होती है, बिजनेस होता है, क्या होता है भाई स्वर्ग के अंदर, के उसके अंदर आराम मिलेगा हमें, हाँ क्या होता है स्वर्ग के अंदर, और कैसा काम मिलता है, गाड़ी चलाने का, जहाज चलाने का, फिर क्या मिलता है काम,
टीवी में देख रखा है मैंने। टीवी में देख रखा है। तो स्वर्ग चलता कैसे है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। हाँ ये जरूर मिलता है, हाँ कि उसके अंदर चलता कैसा है, वहाँ राजा होता है क्या, क्या वहाँ पुलिस होती है, ये सब की जानकारी हमारे पास नहीं है। नहीं। क्या वहाँ एसी फ्रिज कूलर होता है, नहीं। इसकी कोई जानकारी नहीं है कि है या फिर नहीं है, वहाँ क्या है इसका कोई अनुमान नहीं है। नहीं। तो मानवतावादी विचारधारा के अंदर ये मान लिया जाता है कि सुख सुविधाएं जो है यहीं पर मिलेगी, यहीं रिसर्च करो और ज्ञान को बढ़ाओ भाई, ठीक है। जो सामंत सांसारिक सुखों का विरोधी था, चर्च विश्वास में विपरीत था, जो सांसारिक सुखों का विरोधी था, मनुष्य के इस सम्मान ने कला, इतिहास, भाषा, साहित्य, नीति शास्त्र आदि में रुचि बढ़ावा दिया। क्या आप जानते हैं कि इस समय विषयों की मानविकी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। मानवतावाद की भावना को कला और साहित्य के क्षेत्र में अभिव्यक्ति मिली। पुनर्जागरण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि चित्रकला के क्षेत्र में थी। सबसे बड़ी थी कि भाई चित्रकला, नई पेंटिंग्स, नई बिल्डिंग्स ये सब बनने लगी। ये चित्र है मोनालिसा का, दुनिया का सबसे पहला, हाँ भाई कलर भरी हुई पेंटिंग, ठीक है भाई, मोनालिसा का पहली पेंटिंग है दुनिया की, इस धरती पे की। चित्रकारों ने शरीर रचना और मानव शरीर के अनुपात का अध्ययन किया। वे मनुष्य और यथार्थवादी फॉर्म और अनुपात में चित्रता करना चाहते थे। कुछ श्रेष्ठ कलाकारों में लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो, रेफेल, बोटिसेली और टाइटियम और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कलाकारों ने मुक्त खड़ी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। अब इंसान की जो भावना है उसको हूबहू दिखाने लगा अपने कला के माध्यम से। किसी के दिमाग में कोई इमेज आ रहा है, चित्र आ रहा है किसी का, उसने क्या करा, पेपर के ऊपर बनाया। कला है ना भाई उसके अंदर। क्या धर्म की शिक्षा में ये था, नहीं था भाई। मूर्ति बनाना क्या था, मूर्ति बना के जो चूने की मूर्तियाँ होती है, ठीक है, उस टाइप की मूर्ति बनाना, डिजाइन बनाना एक से एक, अब तो बहुत बड़े बड़े डिजाइन दिखते हैं, हाँ ये कला थे। लेकिन ये कला कहीं सिखाई नहीं जाती थी भाई, ये मानवतावादी विचार आया उसके बाद ये कला सिखाई जाने लगी, नहीं तो इस कला से मनुष्य आज भी वंचित रह जाता, जो डिजाइन कलाकारी।